नहीं, सरकार का कदम काफ़ी सराहनीय है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हम लोग को बहुत सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रहा है उनका सारे लोग जो है बहुत अच्छे से पालन करें। आज भी अगर आप इधर उधर सड़कों पे जाएंगे तो 20% मास्क लगाए हुए हैं, बाकी 80% ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं, तो अवेयरनेस हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अचानक से तो अवेयर नहीं हो जाएंगे, तो कड़ाई तो बहुत ज़रूरी है सर सबसे। हम लोग को तो बहुत फ़ायदा मिला है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना फ्री में इलाज करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, पता चल रहा है हम लोग को। राज्य में कोरोना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ चुकी है। बता दें कि लोग अब कोरोना को लेकर काफी सतर्क भी नजर आ रहे हैं, खासकर निशुल्क जांच शिविर में लोग बढ़ चढ़कर कोरोना की जांच भी करवा रहे हैं। शिविर में आए लोगों ने कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा लिए गए हर एक फैसले का वो पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं। नहीं, सरकार का कदम काफी सराहनीय है, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और हम लोग को बहुत सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रहा है उनका सारे लोग जो है बहुत अच्छे से पालन करें। नहीं, लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टेप उठाया जा रहा है ये हम लोग के खुद के हमारे सेफ्टी के लिए ही उठाया जा रहा है, तो लोगों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, और जितनी बातें सरकार बोल रही है कि ये चीज़ आपको फॉलो करना है वो लोगों को फॉलो करना चाहिए। नहीं, चूँकि मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चों से इंटरेक्ट भी करता हूं, मुझे कोई लक्षण नहीं है, बट ऑन अ सेफ्टी सेफ साइड बस मैं आके यहां पे अपना कोरोना टेस्ट कराया हूं। देखिए, ये तो सबसे अच्छा काम किया गया है और ऐसा हर जगह पे कैंप लगाना चाहिए, जगह जगह पे। मैं भी एक टीचर हूं और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ने आ रहे हैं या तो हम भी घर जाएंगे, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, तो अगर उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये तो एकदम ज़ाहिर है कि उन्हें भी फैल जाएगा अगर हमें हो तो। मुझे भी कोई तरह का सिम्टम नहीं है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं करवा लूँगा तो मुझसे मैं निश्चिंत हो जाऊँगा और बाकी मेरे परिजन और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो भी निश्चिंत हो जाएंगे। देखिए, उन जैसे लोगों के लिए तो उनका तो मेंटालिटी जो है वो रहेगा, लेकिन यहाँ के जो कार्यपाल जो हैं, जो यहाँ के जो पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, जो इसको देख रेख कर रहे हैं, उनको थोड़ा और कड़ाई करना चाहिए। कहने को है कि कड़ाई हो रहा है कि 5,000 आप फाइन करने वाले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आज भी अगर आप इधर उधर सड़कों पे जाएंगे तो 20% मास्क लगाए हुए हैं, बाकी 80% ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। तो वो ये क्या कहते हैं, परहेज ही उपाय और क्या है, लॉकडाउन लगा देना चाहिए सरकार को फिर से, मतलब कि 1 महीने के लिए, और परहेज सबको बोलना चाहिए करने, डिस्टेंस का पालन करें, बस यही। हम लोग को तो बहुत फ़ायदा मिला है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना फ्री में इलाज करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, पता चल रहा है हम लोग को। जी, यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत अच्छी है। बीएनएन भारत के लिए कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सुरूर रजा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।